कोटा में लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे संभाग में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं आईजी रवि दत्त गौड़ ने बताया कि चेक पोस्ट मध्य प्रदेश सीमा पर पुलिस 24 घंटे निगरानी कर रही है। पूरे संभाग में अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई गई है। साथ ही सभी स्थानों पर शांति से लोकसभा चुनावों में मतदान हो, इसके लिए पुलिस दल द्वारा फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, इन चारों रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स में हैं और दो संसदीय क्षेत्र इसमें आते हैं। और निश्चित रूप से हमारे चार जिले जो हैं, पुलिस के चार डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी सीमाएं मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों से लगती है। उसके लिए बॉर्डर, सभी बॉर्डर्स पे करीब 40 से 50 जगह के बीच में हमने बॉर्डर पर नाका लगाए हैं, जो 24/7 काम कर रहे हैं। इसी तरह से नाके दूसरे स्टेट की तरफ से भी लगाए गए हैं। बॉर्डर पे हम जॉइंट पेट्रोलिंग, जॉइंट रेड्स, ये भी करवा रहे हैं। इसके अलावा विद इन सिटीज़ और कस्बों में हम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज आई हमारे साथ, उनके साथ मिलकर के RAC और दूसरे पुलिस फोर्स के साथ मिलकर ये रूट मार्च निकाल रहे हैं, फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं।